आराम से आईफोन वाले भैया, आराम से कह रहा है। भाई यश खड़ा हुआ है, वीडियो बना रहा है। हमने पड़ाके ले लिया, हमारी दुकान है, पूरी दुकान ही है आपके। हाँ। दिवाली मतलब फिर आप ही का वोकाल रहेगा भैया। आप ही हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली आपको भी भैया, आपको हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली भैया। बाकी आप देख सकते हैं आईफोन वाला लड़का मिल चुके हैं भाई। हम लोग जो है जा रहे हैं सीधे पड़ाका बजा रहे भाई, पड़ाका 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 दिखाने के लिए आप जो है पड़ाके दिखाएंगे। तो अभी जो है यहाँ से जो है निकल रहे निकलते हैं और क्या, बिल्कुल चलो निकला जाएगा यहाँ से। चलिए चश्मा क्यों पहन लिया, चश्मा इस वजह से पहन लिया क्योंकि आँख में बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन का काम करता है चश्मा। और यहाँ पे आप लोग इतने 12 दिन पहुँच चुके हैं, आप लोग को जो बाजार ले चलने वो है बस गाइस है, जाज मऊ ले चलना है पड़ाका बाजार। और पीछे आप लोग देख लें कितना ट्रैफिक है, आज के दिन ले चलना है। तो भाई आप लोग प्लीज़ आईफोन लौटा और पड़ोसी ब्लॉग को सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये है मेट्रो, मेट्रो का पूरा ये पे। और यहाँ पे भाई बच्चा आराम से आईफोन वाले भैया आराम से कह रहा है। मजा तो बहुत आ रही है बट मुझे डर भी बहुत लग रहा है। हम लोग सोच रहे हैं वहाँ पे कितनी भीड़ होगी पटाखा बाजार में। यहाँ पे भाई हम लोग जो है अभी पड़ोसी भाई के साथ जो है यहाँ पे जो है ट्रेन डला रहे जैसे कि आप देख सकते हो। और अभी नया भी खुला है, हमें लगता है अभी नया खुला है, ये रेनोवेट हुआ है जहाँ तक की, ये पहले था जो है रेनोवेट हुआ था। हाँ खुला तो हुआ है, नया नहीं, नया नहीं है, रेनोवेट हुआ है ना, रेनोवेट। अब मीटर तो देख लिया, चोरी थोड़ी ना करो। पैसे लेंगे भाई, पैसे लेंगे, 20-20 पर्ची काटेंगे, लेकिन भाई गाड़ी कोई भी सुविधा नहीं देंगे अच्छे से। पीछे से भी देख सकते हैं आप लोग नई गाड़ी की, भैया अंकल ने खरीदी और यहाँ पे टूट गई है, किसी ने ठोक दी अंकल की पीछे से। जा रहे हैं अंदर, देखो ये यश खड़ा हुआ है, वीडियो बना रहा है। हेलमेट भाई कोई वो नहीं देता ना भाई, दे सकते हैं। यहाँ पे जो है पटाखा बाजार जो है लगा हुआ है और और जी आई सी ग्राउंड जो लाल इमली के पास इन दो में से एक जगह लगाने का प्रयास करेंगे क्योंकि शहर का कस्टमर यहाँ नहीं आता। पटाखा चल रहा होता, जेब चल रही है, पटाखे बहुत महंगे हैं कि नहीं है? नहीं बहुत महंगे नहीं है, महंगे नहीं है जलाने के लिए, कोई पैसा नहीं दे रहे हैं इसलिए उनको महंगे नहीं लग रहे हैं। अच्छा अभी जो दे रहा है उससे कितने महंगे पड़ाके हैं। बाकी जो है और भी दुकानें हैं तो यहाँ पे आपकी
पब्लिक नहीं है, दूर की वजह है और कम टाइम के लिए लाइसेंस, कम टाइम के लिए। और अभी जो है हमारा तो वैसे घर जो है किदवई नगर है, लेकिन वहाँ वाली मार्केट बहुत भीड़ लगी हुई है। और हम लोग यहाँ आए हमको लगा यहाँ भीड़ होगी, यहाँ तो उल्टा सीन हो रखा है, यहाँ तो कोई भीड़ ही नहीं है। शहर के बाहर होने की वजह से होलसेल हमारा ना दूर है, यहाँ आबादी नहीं है, बहुत कम मिला। हाँ हो सकता था। जैसा कि आप लोग को हमने अभी दिखाया था जाजमो पटाखा बाजार, अब आप लोगों को दिखाते हैं लाल बंगला पटाखा बाजार। तो क्या लगता है यहाँ पे कितने की सेल होगी? यहाँ बहुत सेल है भाई, यहाँ ओ भाई साहब इतनी भीड़, इतनी भीड़ मैंने सपने में देखी थी, आज वो सपना पूरा हो गया। कितने पटाखा लिया आपने भैया? हमने पटाखे ले लिए, हमारी दुकान है, पूरी दुकान ही है आपके। तो दिवाली मतलब फिर आप ही का भोकाल रहेगा भैया? आप ही हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली आपको भी भैया, आपको हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली भैया। बात है इतनी भीड़ है गाइस कि बोलना और रुकना इम्पॉसिबल है, तो फिलहाल अभी चलते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं गाइस नए ब्लॉग में, बाकी पटाखा जलाना और पटाखा फोड़ना दोनों ही गलत है और बेकार है, कभी मत करिए क्योंकि गाइस पैसे की बर्बादी है। मैं कभी भी रिफ़र नहीं करूँगा क्योंकि गाइस मैं भी नहीं छुड़ाता हूँ पटाखा, बचपन का बचपन था, लेकिन अब बड़े हो गए हैं, पता चल गया है कि अगर 200 का पटाखा लाएंगे 200 खरे नोट पे आगे लगाएंगे तो वो नहीं करना है।